अगेन देखो वापस आ चुके हैं इकोनॉमिक्स सीरीज का। ऑलमोस्ट देखो सब कुछ खत्म हो चुका है, जितना भी बचा हुआ ना वो सारा सिर्फ पोर्शन वो बचा हुआ जो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन के मोटिव से हमने सब कुछ कवर कर लिया है। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो मेंस का मोटिव होगा, उसमें मेंस ही आपका इंक्लूड रहेगा, चाहे आप APMC पढ़ो या फिर NAM पढ़ो या फिर ये कट पॉलिसीज पढ़ो। हालांकि ऐसे इनमें से कुछ पूछा नहीं जाता, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूछा नहीं जाएगा। UPSC पे ना देखो संदेह मत करना, चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब तक आप बायोन जाके नहीं सोचोगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कट मोशन क्या होता है, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट एंड टोकन कट क्या होता है। देखो सारा लेक्चर सब हिंदी में है, जितना भी पहले इंग्लिश में था वो सारा हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज ऑफ हिंदी वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता चीज़ों को समझने के लिए, तो वहीं देखते हैं। देखो नीति कटौती और अर्थव्यवस्था में कटौती या फिर सांकेतिक कटौती क्या होती है, इसको आराम से समझेंगे। देखो अब क्या होता है, देखो जब आप बजट निकालते हैं तो बजट में जब आपका डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, तो वहां पर लोगों के ओपिनियंस भी लिए जाते हैं, तो ओपिनियंस ना उनका देने का अलग अलग तरीका होता है। देखो अब जब अनुदानों पर मांग पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ये सबको पता है। अब होता क्या है कि हर किसी मंत्रालय के लिए एक प्रस्ताव का एक अनुदान दिया जाना होता है, यानी कि एक ग्रांट दी जानी होती है, एक पैसे दे लिए। अब डिफरेंट डिफरेंट आपके पास मिनिस्ट्रीज हैं, आपकी डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर एक अलग अलग अमाउंट जाएगा उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, उसके वर्क के अकॉर्डिंगली, तो उसको कहते हैं अनुदान के लिए मांग। ठीक है अब जब संसद में सरकार के खर्च की जांच करने का अधिकार होने के नाते सभी मांगों को मंजूरी नहीं दे सकती। अब ऐसा नहीं है ना, जैसे सारी मान के चलो आपके पास 10 मिनिस्ट्रियां हैं और 10 की 10 मिनिस्ट्री ने जितनी दी है वो सबको पूरा कर दे, ऐसा नहीं कर सकती, उसमें कहीं ना कहीं तो कटौती करनी पड़ेगी, तो इसी को बेसिकली कहते हैं कटौती प्रस्ताव। अब जब कटौती प्रस्ताव संसद में आएगा तो उस मांग कम की जाती है, किसी को बिल्कुल ही खत्म किया जाता है, किसी को कम किया जाता है, किसी को इग्नोर किया जाता है, तो इस तरीके से चलती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक आता है कट मोशन, ठीक है। जो कट मोशन में हमारे पास आती है नीति कटौती प्रस्ताव, इसका मतलब होता है बेसिकली डिक्लाइन कर देना, यानी कि बेसिकली अन एक्सेप्ट ही नहीं करना। ओके बेसिकली हम इसे कहते हैं। यहाँ होता क्या है, नीति अस्वीकृति को बेसिकली कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है ताकि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए, जितने उन्होंने डिमांड करी है उसको 1 रुपया कर दिया जाए बस, यानी कि बेसिकली उसने 100 रुपये किया था यानी कि इसे 1 रुपया दे दो। ये बेसिकली अनएक्सेप्टेंस को बताता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसे वापस ले लो। मांग में अंतर्निहित नीति को अस्वीकृत या प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, यानी कि वही जो मैं आपको बताया। अब क्या होता है, जब ये ऐसा प्रस्ताव आएगा तो जिसने भी जो देने वाले सदस्य जिस नीति पर चर्चा का प्रस्ताव करनी है उसको बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने के लिए उसे बोला जाता है कि भैया टू द पॉइंट बात करो, ज़्यादा बातचीत इस पर हम करेंगे नहीं। अब जितने भी नोटिस होंगे, जितने भी बिंदु होंगे उस उसी तक सीमित रहेगा। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव कुछ भी होगा तो उसके लिए वो बात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट टू द पॉइंट बात की जाती है। ध्यान रखना जब नीति कटौती की बात हो, ठीक है, तो यहाँ पर अनएक्सेप्टेंस बताता है बिल्कुल, ठीक है। एक होता है अर्थव्यवस्था में कटौती, इकोनॉमिकल कट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक मार्क किसी भी कोई भी राशि को कम कर दिया, एक यानी मान के चलो 10 की डिमांड की थी ABCD, तो इस तरीके से बिल्कुल 10 10 चीज़ों की डिमांड करी, तो उसने बोला एक काम करो इसमें से ना ए हटा दो, ठीक है। अर्थव्यवस्था में कटौती प्रस्ताव को स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफरेबल, ताकि मांग की एकमात्र एक निर्दिष्ट राशि से कम हो जाए, ठीक है, यानी कि उसमें से कुछ कम हो जाए। अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जिसे प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह की निर्दिष्ट राशि या तो मांग में एकमुश्त कमी या मांग में किसी वस्तु की कमी हो सकती है, बेसिकली स्पेशली इसे कहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को कम कर दो, 100 चीज़ें मांगी थी उसमें से 2 कम कर दो, इतना कम कर दो पूरा, यानी कि इकोनॉमिकल कट बेसिकली उसे कहा जाता है। सूचना में संक्षिप्त रूप से सटीक रूप से उस विशेष मामले को इंगित करता है जिस पर चर्चा की जानी है, ठीक है, कोई बेकार की बात है आप यहाँ पर नहीं करोगे। तो जब आपका इकोनॉमिकल कट आएगा तो आपको इससे समझ जाना है, अर्थव्यवस्था में कटौती का मतलब समझ जाना कि कोई ना कोई आइटम हटाया गया। बेसिकली इकोनॉमिकल कट आप अपनी पॉकेट से भी समझ जाना है, एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है जिसमें आपको बताया जाए कि आपका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, तो यानी कि आपकी वो औकात पूछ रहा है इनडायरेक्टली, तो बताओ यार डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरीके से टोकन कट का मतलब क्या होता है, टोकन का मतलब समझ जाओगे, टोकन यानी कि 100 रुपये की कमी की जा सके, 100 रुपये की कमी बेसिकली एक टोकन है। एक सांकेतिक कटौती प्रस्ताव इसलिए पेश किया जाए ताकि 100 राशि में 100 रुपये की कमी की जा सके। ये क्या बताता है, बेसिकली एक विशिष्ट शिकायत को प्रकट करने के लिए होता है, भारत सरकार की जिम्मेदारी के दायरे में है, उस पर चर्चा में प्रस्ताव निर्दिष्ट विशिष्ट शिकायत तक ही सीमित होगी। यानी कि इसका मतलब ये होता है बिल्कुल ठीक है सब कुछ एक्सेप्टेड है,
उसमें ये कहता है कि 100 रुपये ही कम कर दो इसमें, 100 रुपये कम, यानी कि वो ये बताना चाह रहा है कि ये मेरे को कंप्लेंट है और ये कंप्लेंट किसके अंदर आनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो उसको रिजॉल्व करे कैसे भी करके। तो ये हो गए। अब होता क्या है, कटौती प्रस्ताव की स्वीकार्यता या फिर एक्सेप्टेंस होगा क्या होगा, ये देखो। अब केवल एक मांग से संबंधित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 10 मांग लेके आ गए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जब आप इनके लिए बात करोगे तो सिर्फ एक मांग से होना चाहिए, इससे स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जाए। इसमें तर्क अनुमान ये सब नहीं होने चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे उल्टी सीधे तर्क ना लगाया जाए कि ये होगा कुछ हो सकता, नहीं, जो एक्चुअल में वो बताओ। एक विशिष्ट मामले तक ही सीमित होगा, यानी कि जिसका यानी कि अगर आपने बोला है कि मैं इंग्लिश क्लास के लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूँ या फिर रोड बनाने के लिए मुझे कुछ करना है, तो वहीं तक सीमित रखो, इससे ज़्यादा बायोंड मत जाओ, इतना लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र या आचरण में प्रतिबंध नहीं होगा जिसके आचरण को केवल मूल प्रस्ताव पर ही चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर डिस्कशन तो होना नहीं चाहिए, इसको इग्नोर मारना चाहिए। यह मौजूदा कानूनों में संशोधन और निरसन के लिए सुझाव नहीं देगा। जब कटौती प्रस्ताव पर बात हो रही हो तो ऐसी बेकार की चीज़ें ना उठाई जाए जिसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मामले का उल्लेख नहीं करेगा जो मुख्य रूप से भारत सरकार की चिंता के विषय में नहीं है, ठीक है। अब आप कुछ भी उठा के ले आओ कि हाँ कि सिंगापुर में क्या हो रहा है, सिंगापुर से मुझे क्या लेना देना, वहाँ की इकोनॉमी गिर रही है कितना, तो तुम यहाँ की बात करो ना, ठीक है। भारत की सिंचित निधि पर भारत व्यय से संबंधित नहीं होना चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। किसी ऐसे मामले से रिलेटेड नहीं हो किसी भी हिस्से में अधिकार क्षेत्र वाले कानून के न्यायालय के अधीन हो, ठीक है, जो ऑलरेडी किसी कोर्ट के अंडर आता हो वो मामला और तुम उसको लेके आ रहे हो तो वो अलाउ नहीं है। किसी प्रिविलेज क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा कोई भी कि हाँ तुम उठा के लेके आ रहे हो। प्रिविलेज क्या मतलब क्या होगा, मान के चलो कि किसी एमपी को एक पावर दी हुई है, प्रिविलेज दी गई है, विशेष अधिकार दिया गया है कि आप इस तक ये काम कर सकते हो, लेकिन वो उसको उठा के लेके आ रहे हैं कि इसने ऐसा कर दिया, ये गलत था, तो उल्टी सीधी बातें नहीं करनी यहाँ पे। उस मामले पर चर्चा को पुनर्जीवित नहीं करेगा जिस पर उसी सत्र में पहले चर्चा की गई हो और निर्णय लिया गया हो। तो जिस पर पहले डिस्कशन हो चुका है उसको नहीं लेके आना है आपको। ऐसे किसी मामले का पूर्वण नहीं लगाएगा जिसे पहले उसी सत्र में विचार पर नियुक्त किया गया हो, तो ऐसा नहीं कर सकते, सेम लास्ट वाला डिस्कशन है। ऐसे किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यों का निष्पादन करने वाले किसी वैधानिक न्यायाधिकरण, वैधानिक प्राधिकरण या किसी मामले की जांच या उसके लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच के न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले पर चर्चा करने की मांग नहीं उठाएगा, बशर्ते अध्यक्ष हो सकता है अपने विवेक से ऐसे मामलों को सदन में उठाने की अनुमति दे दे और उसके फिर उस पर डिस्कशन करना चालू कर ले, लेकिन नॉर्मली ऐसे डिस्कशन नहीं किए जा सकते। एक तुच्छ मामले से संबंधित नहीं होगा, कुछ भी उल्टी सीधी चीजें लेके आ जाओ। अब स्पीकर वो अपना स्पीकर एक्सेप्ट करके उसके ऊपर फिर अपना निर्णय देगा, बेसिकली यह तय करेगा कि इन नियमों में क्या स्वीकार, क्या एक्सेप्टेड है, क्या नहीं है, किस पे कटौती स्वीकार एक्सेप्ट की जाती है, किस में नहीं की जा सकती। अब ये सब कुछ होने के बाद में देखा जाएगा। अब बस ये जरूर देखा जाएगा कि जिस तरीके से हो रहा है वो फॉलो रूल फॉलो होना चाहिए, ठीक है। कटौती प्रस्ताव की सूचना, यदि अनुदान की किसी मांग को कम करने के प्रस्ताव की सूचना उस दिन से एक दिन पहले नहीं दी गई जिस दिन मांग पर विचार किया जा रहा है तो ऐसी तो कोई भी सदस्य प्रस्ताव को पेश पर आपत्ति कर सकता है, और जब अध्यक्ष अनुमति नहीं देते तब ऐसी आपत्ति मान्य होगी, ठीक है। यानी कि आपने आज आज डिमांड पर बात होने वाली है, चर्चा होने वाली है, आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझे इस पर कटौती करनी है। आप सेम डे में आप जाके कह रहे हो नहीं इस पर कटौती करवानी है तो ये बेसिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। आप उस टाइम पर चेयरमैन स्पीकर लोकसभा स्पीकर ये डिसाइड करेंगे कि करना क्या है, एक्सेप्टेड है या नहीं है, तो उसी के बाद ये देखा जाएगा, एल्स नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका कट मोशन, कोई ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, 8-9 मिनट का लेक्चर है बस, बहुत है इतना बड़ा लेक्चर। सिर्फ मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया, ये 3-4 चीज़ें बस समझो और इससे ज़्यादा इग्नोर मारो। एक होता है गिलोटिन प्रस्ताव, तो गिलोटिन प्रस्ताव बेसिकली क्या होता है, जो मांगे बच गई हैं उसको बेसिकली कंसिडर किया जाता है, जितने भी मांगे हैं या फिर स्पेशली उनको उठाया जाता है तो उसको बेसिकली गिलोटिन कहा जाता है, गिलोटिन प्रस्ताव, ओके। तो आगे द्वारा लेक्चर में मिलेंगे, वहाँ पर हम अब सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और टैक्स एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसे भी एक बार अच्छे से समझेंगे और देखेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ध्यान रखो यार, अच्छे से करते रहो पढ़ाई और बिल्कुल तोड़म फाड़ जो करनी हो करो, ठीक है, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।